उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के एक मदरसे में छात्रों की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। यह मामला गोसाईगंज सिवरल स्थित सुपामा दीन तुल उलमा मदरसे का है, जहां दो छात्रों को भागने से रोकने के लिए मौलाना ने उनके पैरों में जंजीरें डालकर ताला लगा दिया। छात्र बड़ी मुश्किल से जब भागकर पास के गांव में पहुंचे तो यह दरिंदगी सामने आई। फिलहाल मामला पुलिस के पास पहुंच गया है। लखनऊ के गोसाईगंज सिवलर स्थित सुफातमत दीन तुल उलमा मदरसे में छात्रों के पैरों में बेड़ियां डालकर रखा गया था। शुक्रवार को दो छात्र मदरसे से भागकर गांव में पहुंच गए। ग्रामीणों ने बच्चों के पैर में जंजीर पड़ी देख उन्हें रोक लिया। छात्रों ने मदरसा शिक्षकों पर बेत से पीटने और पैर में जंजीर बांधकर रखने का आरोप लगाया। मासूमों के साथ बर्बर व्यवहार किए जाने की सूचना ग्रामीणों ने ही पुलिस को दी। कुछ लोगों ने वीडियो बनाकर भी सोशल मीडिया में वायरल कर दिया था। गोसाईगंज पुलिस का कहना है कि परिवार वालों ने मदरसे के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने की बात कही है। अगर कोई तहरीर मिलती है तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा। गोसाईगंज रनिया मऊ निवासी सेरा का बेटा सहवाज गोसाईगंज स्थित मदरसे में पढ़ता है। उसके साथ बाराबंकी जर्मा मऊ निवासी राजू भी पढ़ाई कर रहा है। दोनों बच्चे शुक्रवार को मदरसे से बाहर भाग आए थे। उनके पैरों में जंजीर बंधी हुई थी जिसमें ताला भी डाला गया था। सहबाज और राजू गांव के पास पहुंचकर रो रहे थे। उसी दौरान ग्रामीणों की नजर मासूमों पर पड़ी। पूछताछ किए जाने पर सुफावत दीन तुल उलमा मदरसे के शिक्षकों पर सहबाज और राजू ने आरोप लगाया था। इंस्पेक्टर गोसाईगंज शैलेंद्र गिरी के मुताबिक सहबाज के पिता सेरा को सूचना दी गई थी, जिसके बाद वह थाने आए थे। सेरा ने पुलिस को बताया कि सहबाज पढ़ाई नहीं करता है और पहले भी दो बार मदरसे से भाग चुका है, इसलिए उन्होंने ही शिक्षकों को सहबाज के साथ सख्ती बरतने के लिए कहा था। इंस्पेक्टर के अनुसार सेरा ने मदरसा शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने की बात भी कही। वहीं बाराबंकी निवासी राजू के पिता ने भी फोन पर मदरसे के खिलाफ कार्रवाई नहीं किए जाने की बात दोहराई है। सहबाज और राजू के हाथ और पैर में कई जगह बेंत से पीटे जाने के निशान थे। ग्रामीणों के सामने भी छात्रों ने मदरसा शिक्षकों पर आरोप लगाए थे। उनका दावा था कि पढ़ने के लिए दबाव डाला जाता है, पाठ याद नहीं करने पर शिक्षक पीटते हैं, इसी वजह से उनके शरीर पर यह निशान बने हैं। छात्रों की बात सुनकर ग्रामीण भी अवाक रह गए थे। सहबाज के पिता सेरा ने कहा कि उनके परिवार में कोई भी शिक्षित नहीं है, वह इकलौते बेटे सहबाज को पढ़ाना चाहते हैं, इसलिए मदरसे में दाखिला कराया था, लेकिन सहबाज उनकी बात भी नहीं सुनता। रमजान के दौरान वह छुट्टी पर घर आया था, जिसके बाद मदरसा वापस नहीं जाना चाहता था। बेटे को उसकी मर्जी के खिलाफ दोबारा से मदरसे में भेजा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।